हेलो फ्रेंड्स, 500 हार्ड डे चैलेंज का है आज 56वां दिन। मैं अपना मॉर्निंग के सारे रूटीन के काम निपटा के दीपक भाई के ऑफिस में आ चुका हूँ। जैसा कि दीपक भाई आज जल्दी निकल गए हैं घर, रीज़न कि दीपक भाई की वाइफ और बच्चे की है तबीयत ख़राब, इस वजह से मैं अभी यहीं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। और 6:30 बज चुके हैं और मैं यहाँ से निकलूँगा 7 बजे के आसपास। तो अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, न्यूज़ देखते देखते मेरे पास सचिन तेंदुलकर का कॉल आया। जी, सचिन तेंदुलकर, वो बात एक अलग है कि IVR के थ्रू वो कॉल आया था, लेकिन उसमें एक मैसेज था, वॉइस मैसेज, कि आने वाले टाइम जब भी आपके शहर या स्टेट में चुनाव हो तो आप वोट अवश्य करें। और यही बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी हो, आपका जहाँ पर वोटिंग बना हुआ हो, आप वहाँ जाके वोट करें, क्योंकि वोट आपकी ताकत है। और ऐसी पार्टी को चुने जो देश हित में कल्याणकारी काम कर रही हो। तो अपने वोट की ताकत को समझें और दूसरों को भी समझाएं, किसी के बहकावे में आके किसी को मर्जी के साथ वोट ना दें, अपने मन के मुताबिक, अपने मन के हिसाब से वोट करें। तो फाइनली इवनिंग का रूट खत्म करके मैं आ चुका हूँ घर और नहा धो लिया हूँ और खाना खाने की तैयारी में हूँ। और जब कल से जो है, जब से मैं एम्स हॉस्पिटल से आया हूँ, बॉडी थोड़ा सा सुस्त है। कारण के टेस्ट कराने जो गया था एम्स हॉस्पिटल में, वो था मेरा खाली पेट। और रात के 10 बजे से लेके अगले दिन 1 बजे हुआ था मेरा टेस्ट। तो मान लो 10 से 1 तकरीबन 14 घंटे के आसपास जो है मैंने पानी भी नहीं पिया था, तो इसकी वजह से शरीर में वीकनेस आ गई। क्योंकि गर्मी भी हो रही थी, बाइक भी चला के ले गया था यहाँ से 47-48 किलोमीटर, और फिर उसके बाद वहाँ हॉस्पिटल में पैदल चढ़ना पड़ा। तो आज मेरे को सुस्ती जैसी रही, इस वजह से दिन में ब्लॉग नहीं बना पाया। घर पहुँच चुका हूँ और भूख लगी है बहुत ज़ोर से, तो खाऊँगा खाना। हे, ये रहा चीता, शैतान जो है, ये इसकी शैतानी नहीं ख़त्म हो रही। और ये है परेशान, क्या हुआ, इसको कुछ ना कुछ परेशान रहती है। और खाने में कड़ी चावल और रोटी, और इधर है कच्चे आम की चटनी। तो पहले खा लेता हूँ खाना, फिर ब्लॉग को करूँगा कंटिन्यू। तो फाइनली खाना खा चुका हूँ, और खाना खाने के बाद में आज जो है लाइट बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है, क्योंकि शाम को जो है हल्की फुल्की आई थी आंधी, लेकिन आज गर्मी कम है और उस आंधी की वजह से लाइट आ रही है, जा रही है। अभी 20 मिनट रुकी थी अराउंड लाइट, 20 मिनट आधा घंटे के आसपास, और फिर उसके बाद लाइट होगी कट। इन्वर्टर तो है, लेकिन पंखा जो गर्म हवा देता है, और कूलर का कनेक्शन इन्वर्टर से है नहीं। तो परी और गौरी दोनों नहाने में लगे हुए हैं, रात के बजे हुए हैं 10:30। तो आज के ब्लॉग वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। वीडियो लगा हो आपको अच्छा वीडियो कर दे लाइक, दोस्तों कर दे शेयर, चैनल प्यार होना है चैनल कर ले सब्सक्राइब, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।